भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला मुरादाबाद। ये 1600 में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके बाद इस शहर का नाम मुरादाबाद पड़ गया। ये शहर नई दिल्ली से करीब 167 किलोमीटर दूर रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे ब्रास या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और तो और यहाँ पे कई कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियां, कई शिल्प बनते हैं। अगर यहाँ की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 887,871 है, जो कि सिंगापुर जैसे देश की जनसंख्या के बराबर है। इसके साथ ही यहाँ पर साक्षरता की बात की जाए तो 58.67% है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 903 महिलाएं हैं। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद यूपी के प्रमुख जिलों में से एक है। हस्तशिल्प के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के पीतल के बनाए बर्तन यूएस, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में निर्यात होते हैं। लखनऊ से मुरादाबाद की दूरी करीब 346 किलोमीटर, वहीं दिल्ली से इसकी दूरी 186 किलोमीटर है। अब बात करते हैं मुरादाबाद के प्रमुख पर्यटन स्थल और मंदिरों की। नंबर वन पे आता है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मुरादाबाद में स्थित है। भगवान पार्श्वनाथ वाराणसी में पैदा हुए थे, जो अग्रसेन के पुत्र थे। इस मंदिर को भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियों के घर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की स्मृति पे बनाया गया था। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को उनकी मृत्यु के कई सालों बाद एक स्थानीय कुएं में मिली थी। अगला जो स्थान है, इसे हनुमान मूर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। ये मंदिर मुरादाबाद में एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को मुरादाबाद शहर में पुराने और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में जाना जाता है। इसके साथ ही इस मंदिर में साईं बाबा, देवी दुर्गा, भगवान भैरव की मूर्तियाँ भी स्थित हैं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान हनुमान इसी स्थान पर अवतरित हुए थे। अगला जो स्थान है, इसे बुद्ध बाजार कहा जाता है। बुद्ध बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर मनुष्य की जरूरत की हर वस्तु उपलब्ध होती है। ये बाजार मुरादाबाद महानगर का एक प्रमुख बाजार है। अगला जो स्थान है, इसे डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। डियर पार्क भी मुरादाबाद शहर में घूमने का अच्छा स्थान है, जो कि प्रेम वाटरलैंड के पास स्थित है। इस पार्क में आपको जॉगिंग ट्रैक का भी आनंद मिलेगा। 13 किलोमीटर में यह पार्क फैला हुआ है। इस पार्क में मगरमच्छ, बतख, हिरण के साथ और भी कई प्रजातियां जानवरों की मौजूद हैं। अगला जो स्थान है, इसे प्रेम वाटरलैंड के नाम से जाना जाता है। प्रेम वाटरलैंड पार्क मुरादाबाद में घूमने की अच्छी जगहों में से एक है। ये पार्क रामपुर रोड पर स्थित है। यहाँ पर बच्चों के लिए अनेक सवारी वाटर थीम अवस्थित है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। प्रेम वाटरलैंड पार्क घूमने के साथ एक मनोरंजन का भी पार्क है। अब बात करते हैं मुरादाबाद के अगले स्थान की, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद मुरादाबाद शहर के प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है, जो कि बकीपुर में स्थित है। इस मस्जिद को 1631 में बनाया गया था। ये जामा मस्जिद मुसलमानों की पूजा अर्चना के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है। साथ ही ये मस्जिद बहुत खूबसूरत इमारत भी है। इसके साथ ही हम सफर हॉल जामा मस्जिद के पास स्थित है और यहाँ मैरिज हॉल भी इसे कहा जा सकता है।